ओमकारेश्वर दोस्तों, मैं हाउसवाइफ सुष्मिता आपको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में। जैसा कि आपने मेरी पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग ओमकारेश्वर के दर्शन में आए हुए हैं। सुबह उज्जैन से निकल के हम ओमकारेश्वर पहुँचे करीब 11 बजे। उसके बाद हमें मंदिर घूम के देखा, नदी किनारे थोड़ा रिलैक्स किया और नोनी को लंच करवाया। उसके बाद हम चल दिए नर्मदा घाट में, क्योंकि हम लेने वाले हैं बोट की आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो दर्शन के बाद नर्मदा नदी में बोटिंग का आनंद जरूर उठाइए। तो आज का वीडियो बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपसे शेयर करूंगी नर्मदा में बोटिंग के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एंड दिखाऊंगी आपको पूरा मानदाता द्वीप घुमा के। तो चलिए मेरे साथ। जैसा आप देख सकते हैं कि ओमकारेश्वर की मंदिर एक द्वीप में अवस्थित है जिसका नाम है मांधता। तो यहाँ पे जो बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है वो दो तरीके का है, एक है 15 से 20 मिनट का और एक है 1.5 घंटे का बोटिंग। ये दोनों बोटिंग ओमकारेश्वर की गोमुख घाट से उपलब्ध होता है। 15 से 20 मिनट वाला जो बोटिंग है वो आपको गोमुख घाट से लेकर आगे नर्मदा कावेरी संगम घुमा के श्री ओमकारेश्वर मंदिर के सामने से लेकर ओमकारेश्वर डैम तक ले जाता है। ये बोटिंग मेनली द्वीप के एक साइड को ही कवर करता है। इसके लिए नाव वाले आपको 150 से 200 रुपया चार्ज कर सकता है और ये बोटिंग करीब 15 से 20 मिनट का होता है। वैसे आप बार्गेन भी कर सकते हैं। मैप में आप बोटिंग का रूट देख सकते हैं। बोट पॉइंट 1 से स्टार्ट करके पॉइंट 2, 3, 4 घुमा के गोमुख घाट पे यानी पॉइंट 1 पे लौट आता है। दूसरा जो बोटिंग है वो काफी लंबा है। अगर आपके पास समय कम है तो ये बोटिंग आप ना लें। नाव वाले तो बोलते हैं इसके लिए आपको 1.5 घंटा लगेगा, मगर इसमें आपको और भी टाइम ज्यादा लग सकते हैं। आगे चल के इस वीडियो में आप देखेंगे कि लेट क्यों हो सकता है। दोस्तों, ये वाला जो बोटिंग है ये बोट राइड कम और एडवेंचर ज्यादा है, इसके मजा कुछ अलग ही होता है। ये बोटिंग मांधता द्वीप को पूरा एक चक्कर घुमा के वापस ले जाता है। इसमें करीब 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। नाव वाले इसके लिए 400 रुपया पर पर्सन चार्ज करता है, जो मेरे हिसाब से काफी सही प्राइस है। दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका ये पैसा पूरा वसूल हो जाएगा अगर आप ये बोट राइड करते हैं। तो मैप में आप बोटिंग का रूट देख सकते हैं। बोट पॉइंट 1 से स्टार्ट करके पॉइंट 2 होके पॉइंट 3 में जाता है। पॉइंट 3 से 4 तक आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा मांधता द्वीप के ऊपर से। फिर पॉइंट 4 में आप नाव पे दोबारा चढ़ेंगे। नाव कुछ दूर चल के पॉइंट 5 में फिर से आपको उतर देगा। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए आपको पॉइंट 6 तक जाना है। पॉइंट 6 पे आप जब नाव पे चढ़ेंगे तब ये आपको ओमकारेश्वर द्वीप का पूरा चक्कर घुमा के ओमकारेश्वर डैम दिखाते हुए गोमुख घाट यानी पॉइंट 1 पे वापस ले आएगा। तो दोस्तों, हमने दूसरा वाला राइड लिया। ये जो राइड है इसके लिए हर बोट पे मैक्सिमम 10 सवारी हो सकता है गवर्नमेंट रूल के मुताबिक। बोट में ऑलरेडी 8 लोग पहले से ही थे। हम बोट में चढ़ते ही सबको एक एक लाइफ जैकेट दिया गया और बोट स्टार्ट कर दिया गया। बोट जैसे ही स्टार्ट किया मैं समझ गई कि ये राइड काफी एडवेंचर भारी होने वाला है। हम इससे पहले बनारस और ऋषिकेश में बोट राइड किए थे, मगर यहाँ पे बोट उस सब से कुछ अलग था। नाव के ड्राइवर सभी यात्री को सतर्क कर दिया कि कोई नाव चलने के दौरान उठ के खड़ा ना हो जाए, इसमें नाव का संतुलन बिगड़ सकता है। नर्मदा जी में यहाँ पे पानी काफी गहरी है। तो श्री ओमकारेश्वर को प्रणाम करते हुए हम जा रहे थे पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2 में है मार्कंडेय आश्रम,
जहाँ पे है माँ अन्नपूर्णा मंदिर और विष्णु मूर्ति। श्री रामानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया ये मार्कंडेय आश्रम बहुत सुंदर है, जैसा हमने सुनने को। मार्कंडेय आश्रम क्रॉस करते ही हमें दिखा कि सामने एक ब्रिज है, मगर सारे नाव उस ब्रिज के सिर्फ एक कोने से पास कर रहा था। यहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि हमारा नाव डगमगाने लगा। नाव वाले चिल्ला रहे थे कि सब लोग कस के बैठे, तो मैंने नोनी को पकड़े रखा, भगवान का नाम लेने लगा। ये स्टेज तो काफी एडवेंचरस था, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये ब्रिज क्रॉस करते ही पानी का बहाव कम होने लगा और हम राहत के सांस ले। नाव वाले भैया ने बताया कि हम अभी पॉइंट 3 के यानी नर्मदा कावेरी संगम के पास आ गए हैं। कावेरी नदी नर्मदा के एक उपनदी है जो नर्मदा के दक्षिण में बहती है। ये दोनों मांद्रता द्वीप के पश्चिम क्षेत्र में मिलता है। इसे नर्मदा कावेरी संगम स्थल कहा जाता है। अभी फिलहाल में ओमकारेश्वर डैम बन जाने से आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये दो नदी पहले से मिल गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। मांद्रता द्वीप के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कावेरी नदी है। कावेरी और नर्मदा का संगम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे स्नान करने से सभी पापों का निवारण होता है। पुराण कथा के अनुसार गंगा जमुना संगम अर्थात प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वो पुण्य नर्मदा कावेरी संगम में स्नान करने से भी मिलता है। कहा जाता है कि कुबेर ने नर्मदा और कावेरी संगम में भगवान शिव के घोर तपस्या किया था, जिससे उन्हें यक्षो का स्वामी बना दिया गया। संगम के दूसरे साइड में जहां हमें नाव में चढ़ना था, वहां पे काफी सारे पत्थर पड़ा हुआ था, तो मैं नोनी को गोदी में ले ली और सावधानी से आगे बढ़ी। इस साइड से लोगों का आना जाना काफी कम रहता है, तो घाट सही से नहीं बना हुआ है, मुश्किल से कोई लोग था। यहाँ इस साइड पर पूरा दूर दूर तक खाली था। हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे पानी बोतल में भर के ले जा रहा था। लगा कि नदी का पानी इस साइड में और भी साफ था और गहराई भी काफी कम है। संगम के थोड़ी दूर जाके हमें देखा कि पानी का बहाव काफी ज्यादा थी और गहराई भी बहुत कम। नाव वाले ने बोला कि यहाँ पे नाव से जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें उतरना पड़ेगा। उतरने के ऑलमोस्ट 300 से 400 मीटर ट्रैकिंग करते हुए एक दूसरे जगह पे जाके नाव में फिर से चढ़ना पड़ेगा। नाव वाले तब तक नाव को वहाँ पे धकेलते हुए ले जा रहे थे। ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रैकिंग है। यहाँ पे नदी पहाड़ का रूप बहुत ही अद्भुत और निराला है। चारों तरफ सन्नाटा और पानी का बहने का आवाज सिर्फ। इधर हमें एक भी नाव नहीं दिखाई रही थी। इसका मतलब ये था कि ये संपूर्ण मांद्रता द्वीप का परिक्रमा बहुत ही कम लोग करते हैं। ये देखो, ये भाभी यहाँ पे खीरा बिक रही थी, तो यहाँ से हमने खीरा लिया। आप लोग भी अगर आएंगे तो ये भाभी यहाँ पे खीरा बेचती है, फ्रेश फ्रेश। तो
हम दोबारा नाव के पास पहुंच गए। रास्ते इतना पथरीला था, मुझे डर भी लग रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद दूर से दिखाई दे रहा था आदि गुरु शंकराचार्य का विशाकालय मूर्ति। जो फ्रेंड्स नहीं जानते हैं उसके लिए बता दूं, आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के ऊपर ठोस आधार प्रदान किया। उनके विचार उपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित है। शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व में केरल में हुआ था। बहुत ही अल्प समय में इन्होंने समग्र शास्त्र के ऊपर अपना ज्ञान अर्जन किया। सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य का बहुत ही महत्व रखता है। 32 साल के अल्प आयु में केदारनाथ के समीप इनका देहांत हुआ था। शंकराचार्य को प्रणाम करके हम आगे निकल गए। अब हम जा रहे थे ओंकारेश्वर डैम के पास। ओंकारेश्वर डैम एक विशाल डैम है नर्मदा और कावेरी नदी के ऊपर। 2003 से 2007 साल के बीच ये डैम की कंस्ट्रक्शन हुआ था। इस डैम का पानी सिंचाई और इलेक्ट्रिक उत्पादन में लगता है। यहाँ पे 520 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ओंकारेश्वर डैम के टोटल 23 गेट्स हैं। इस टाइम सारे गेट बंद थे, लेकिन जब ये गेट खुलता है तो बहुत अद्भुत नजारा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये बोट जर्नी कैसा लगा जरूर कमेंट करके लिखिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करती हूँ, आप अगर ओंकारेश्वर आते हैं तो बोट राइड जरूर करें। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ।